जैसे कैसे 10th का लास्ट एग्जाम भी आ गया। आया तो आया पर साथ अपने बहुत कुछ ले गया। जब स्कूल में थी तो ये क्लास आफत लगती थी, ये कितनी सही थी आफ्टर 10th पता लगा। उस लास्ट एग्जाम वाले दिन वो सारे चेहरे एक साथ आखिरी बार दिख रहे थे। सुबह एग्जाम की जो टेंशन थी शाम तक सबसे दूर होने की टेंशन बन गई। अब दोस्ती खत्म ही हो गई समझो। एक तो अब स्ट्रीम्स डिवाइड होगी, कुछ के स्कूल चेंज होंगे, कुछ साथ पर फिर भी बहुत से दूर होंगे। ये बात 10th के लास्ट एग्जाम वाले दिन इतनी रियलाइज नहीं हुई, पर जैसे 11th में गए ना यादें आना शुरू हो गई 10th के दोस्तों की। 12th कंप्लीट होने के बाद भी ये रियलाइज हुआ कि 10th वाले दोस्त ना बहुत टाइम से अपने थे, उनके साथ जो मेमोरीज बनी थी वो कहीं नहीं बन सकती। अब थोड़ा बचपना थोड़ी लड़ाई इन्हीं के साथ तो की थी बोर्ड्स की पढ़ाई। खैर लास्ट एग्जाम में जो नंबर एक्सचेंज हुए थे, मिलते रहने के वादे हुए थे, एक दूसरे को हंसते हुए बाय बोला था, हर वो चीज़ अब बस याद बन कर रह गई। लास्ट एग्जाम के बाद जिंदगी कभी मौका नहीं देती दोबारा उन सबको उसी तरह सेम क्लासरूम में देखने का। तुम्हारा अगर लास्ट एग्जाम है तो यार जी भर के जी लेना उस दिन को। फिर मत बोलना कि केएसबी ने बताया नहीं कि आफ्टर स्कूल 10th क्लास इतनी याद आती है। जारी रहेगा स्कूल का सफर। स्कूल लाइफ से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट स्कूल का सफर ज़रूर चेकआउट करना। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो में।